यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो जब तक सरकार मांगों को नहीं मानती है तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी, ये कहा जा रहा है आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश को हैंडबॉल के स्टार खिलाड़ी देने वाले ऊना में सरकार और विभाग की ओर से इस खेल की अनदेखी की जा रही है। ऊना में ना ही हैंडबॉल का मैदान है और ना ही कोई कोच। 4 साल पहले हैंडबॉल कोर्ट का शिलान्यास हुआ था तो खिलाड़ियों में अच्छा मैदान मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण इस मैदान का काम अधर में ही लटका हुआ है। इसके साथ ही खेल विभाग ऊना में पिछले कई सालों से हैंडबॉल का कोच भी तैनात नहीं कर पाया है। सरकार और विभाग की ओर से हैंडबॉल की बेरुखी को लेकर खिलाड़ियों में खासी निराशा है। तो न हैंडबॉल का मैदान है ना ही कोच है। हालांकि ऊना से तस्वीरें हैं जहां पर सरकार की बेरुखी से खिलाड़ियों को निराशा मिल रही है। जिस हैंडबॉल को यहां के खिलाड़ी हमेशा आगे लेकर जाते रहे हैं, वहां पर आज खिलाड़ियों को खेलने के लिए ना तो यहां पर मैदान मिल रहा है और ना ही यहां पर कोच जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए फंड की कमी यहां पर बताई जा रही है, जिसके कारण इस स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।